एक ज्ञापन का फॉर्मेट तैयार हो और वो सारा कुछ देंगे, ठीक है, बताते हैं। ओके नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ मां। साथियों, जय आयुर्वेद, राजू भाई अमर रहे। साथियों, पहुंच चुके हैं सिरसा के गांव, कौन सा गांव मुखी साहब, कुसर के पास है अभी, अभी नहीं जाना कहां, घोड़ावाड़ी, घोड़ावाड़ी ये राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। और जो अपनी मुहिम है लोगों को जगाने की, उस विषय में आज यहां पहुंच चुके हैं। और साथियों, जो बड़ा विषय जो निकल के आ रहा है, गाड़ियों का जो एक चर्चा चला हुआ है, पूरी चर्चा जो चली हुई गाड़ियों की, वो असल में क्या है, क्या ये गाड़ियों का मामला है, क्या इसका अपना संबंध है प्रदूषण से, या इसको क्या बोलते हैं, कौन सी होती है इसके अंडर जो आती है प्रदूषण वाली, CGST क्या होती है, NGT का क्या संबंध है, एक बार मैं इसमें पूरा चर्चा करूंगा। एक बार वकील साहब राम राम कर दो भाइयों की। हाँ जी, राम राम आप सभी को, वंदे मातरम। देखिए क्या है कि पुरानी गाड़ी, अभी मैं आपको दिखा दूं, आप बात चली गई, तो ये हम जो बैठे हैं, ये गाड़ी है, कौन सी गाड़ी वकील साहब, ये स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा ऑक्टेविया लोरा गाड़ी है। कितने साल पुरानी गाड़ी डॉक्टर साहब, ये 15 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी गाड़ी, डीजल की गाड़ी है ये, एकदम बढ़िया। आपको पोल्यूशन नहीं, मतलब इतनी सी भी आवाज इसमें नहीं आ रही। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा सरकारों का कि क्या सच में प्रदूषण का और पुरानी गाड़ियों का कोई संबंध है क्या, आप इसको समझिए। मैं, मेरे मन में विचार जो आया कि मान लीजिए 15 साल पुरानी गाड़ी, मान लीजिए क्या होगा उसका, दो चीजें हैं। आज से पहले जब भी हम बच्चों को गाड़ी देते थे तो, या हम खुद भी चलाते तो हमें लगता था जी क्या करना, गाड़ी है ना आराम से चलानी है, संभाल के चलानी ताकि गाड़ी लंबी चले, और मतलब कोई खड्डा आए तो उसमें गिरानी नहीं है, कोई गिरा देता उसको हम धमकाते थे जी आप क्या कर रहे हो, गाड़ी तो तोड़ रहे हो आप। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर 10 साल बाद मेरी गाड़ी बर्बाद होने वाली है तो मुझे, मैं उस गाड़ी को आराम से चलाऊं, उसको ढक्के रखूं, उसका क्या करूं, या उसका तेज चलाऊं, उसको तोड़ूं, क्योंकि 10 साल बाद तो वो जीरो हो जानी है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब प्रदूषण पोल्यूशन के नाम पे आपका चलान हो रहा है और पोल्यूशन ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी सही है, असल में गाड़ी में जो समस्या है वो समस्या तो इंजन में ही आएगी ना। मान लीजिए किसी की 10 साल पुरानी गाड़ी है और उसका जो बॉडी है, उसकी बॉडी गल गई, चलो बड़ी बात करते हैं, उसकी जो बॉडी है कार की वो गल चुकी है, तो गली हुई बॉडी इसकी कार की, वो प्रदूषण कैसे फैलाती है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी किसी की पुरानी है जो पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन फैलाएगी तो गाड़ी में, मान लीजिए इंजन में समस्या आएगी तभी तो फैलाएगी वो, उसके लिए जब पोल्यूशन मीटर आपका दिया है कि पोल्यूशन आप चेक कराइए, अगर आपका पोल्यूशन सही है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए गाड़ी ज्यादा चल गई है, पुरानी हो गई, बॉडी में तो कोई समस्या नहीं है, बॉडी गल भी गई है तो बॉडी थोड़ी प्रदूषण फैलाएगी। साथियों आप एक चीज देखिए, KNGT के नाम पे आपने पिछली बार वीडियो देखा होगा, कुम्हार की भट्टी को तोड़ा जाता है NGT के नाम पे। और तो और मेरे साथी का कोहलू लगा हुआ है गांव शाहपुर में, नाम बता देता हूँ, जय भगवान नाम है, 2 बार उस पे नोटिस आया NGT का कि आपका जो कोहलू है वो प्रदूषण फैला रहा है, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा। वो तो ताकत है किसानों की, किसानों के दम पे वो कोल्हू चल रहे हैं। इनका जो असल में जो टारगेट है, वो टारगेट है रोजगार को बर्बाद करना। मुझे एक बात बताइए, इतनी जो पुरानी गाड़ियां जब ये टूटेंगी, इनको नई जब बनती है, नई बनाने में पोल्यूशन नहीं होता, आप हैरान रह जाएंगे। कल मैं जब जींद गया और जींद में जब DC ऑफिस में मैंने पता किया, तो 5 छोटा सा शहर जींद हरियाणा का, 5 फैक्ट्रियां हैं टायर जलाने की। और आप यकीन नहीं करोगे, जब भी उन फैक्ट्रियों के आप आगे जाओगे तो बड़े बड़े ट्रोले आते हैं टायर लेके, कंप्रेस किए हुए टायर लेके, बड़े बड़े ट्रोले। और जब उस ट्रोले के ड्राइवर से बात की हमने, तो उसने कहा जी हम पोर्ट से लेके आते हैं, मतलब समझते हो, पोर्ट से लेके आने का मतलब ये है कि वो जो सारे के सारे टायर हैं वो आते हैं दूसरे देशों से, मतलब दूसरे देशों के टायर जलने के लिए आपके छोटे शहरों में, जींद, सिरसा, हिसार जैसे शहरों में, हरिद्वार जैसे शहरों में टायर जलने के लिए आते हैं दूसरे देशों से। और मैं अगर गलत ना हो तो एक टायर जलने से सारा गांव परेशान हो जाता है, छोटा सा टायर जलने से इतना ज्यादा धुआं होता है इसमें। तो साथियों, विदेशों के टायर जलते हैं आपके शहर में और आपको NGT के नाम पे, मतलब ये कहा जा रहा कि आपकी गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं, इसलिए इन गाड़ियों को नष्ट करना पड़ेगा। और जो बुद्धिजीवी तथा कथित जो बुद्धिजीवी हैं वो तर्क भी देते हैं, भाई कहां सोए हुए हो आप,
इन गाड़ियों को नष्ट करने का एनजीटी से कोई लेना देना नहीं है। रुक, ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चल रहा है कि आपकी कमर को किस तरह तोड़ा जाए, आपको किस तरह बर्बाद किया जाए। अगर ये अभी गाड़ी वाला आपने नहीं रोका, अगर इसके साथ नहीं खड़े हुए, तो कल को ये भी आदेश आएगा कि 15 साल पुराना मकान अगर किसी का है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको चाहिए, इनको इनको फ्लैट, ये फ्लैट में भी ये बताएंगे कितने साल आपको रहना है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सीमेंट उद्योग जो है उनको माला माल करना है, आपका हर तरीके से खून चूसा जाएगा। हम जनता सरकार मोर्चा इस पे आज या कल में कोई बड़ा फैसला लेने वाला है हरियाणा भर में, तो जो भी साथी हैं कल आपको फैसला बता दिया जाएगा कहाँ पे क्या करना है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी गाड़ी जो है आज, अगर आपकी गाड़ी, आपका एक परिवार, एक मुझे बताइए छोटा परिवार जो है वो बाइक पे जा नहीं सकता क्योंकि 3 सवारी पे अलाउड नहीं है। अगर वर्ल्ड रिलेशन में कोई व्यक्ति किसी ने गलती से 1-2 लाख पे कार जोड़ भी ली और उसका पोल्यूशन मीटर सही है, उसकी अगर थोड़ी बहुत बॉडी खराब भी हुई है तो वो उसकी समस्या है, खराब हुई बॉडी कैसे पोल्यूशन फैलाती है मुझे समझ नहीं आ रही। और ये जाके DC से पूछना पड़ेगा, ये जाके मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा, TM से पूछना पड़ेगा कि आप किस बिहाफ पे 10 साल पुरानी गाड़ी को आप मतलब तोलने पे तुले हुए हो, किसी के बाप का राज है क्या? अब आपको गाड़ी नई लेनी है, मुझे बताइए, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं नई गाड़ी लेने की क्षमता मेरे में नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था 0 है। मैं हरियाणा की बात करूं तो सुबह जो स्कूल कॉलेज में जो छात्र जाते हैं भाई साहब, एक खिड़की में 15-15 छात्र, और वो जो बहने उन छात्रों, मतलब वो बहने जो निकलती हैं, कई बार तो बहने भी मतलब बस के बाहर लटक के जाती हैं। ट्रांसपोर्ट को जानबूझ के बर्बाद किया गया, ट्रांसपोर्ट कहीं है नहीं, बाइक पे 2 सवारी से ज्यादा जा नहीं सकते मजबूरी में। गाड़ी अगर कोई गलती से 1-1.5 लाख की गाड़ी किसी ने बेचारे जोड़ भी ली, उसको आप बर्बाद कराने पे तुले हुए हो। नई गाड़ी जो है वो 7-8 लाख 9 लाख से कम जुड़ेगी नहीं। ये चाहते क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी को कहीं जाना पड़ जाए, कोई गलती से अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, वो कहां, ये कहां समाज जा रहा है, मुझे तो समझ से बाहर बात हो गई है। और आप कहां तक बचोगे? जो आज गाड़ियां वाले सोच रहे हैं जी नहीं ये तो सही है, नहीं बच पाओगे, कल को आपका घर भी तोड़ा जाएगा, आपकी गाड़ी भी नीलाम होने वाली है, आपकी जमीन नीलाम होने वाली है, आपकी धातु नीलाम होने वाली है, आपके बच्चों को ये बर्बादी। आप ये जो लोग कहते थे कि क्या सरकारें मारने के लिए तुली हुई हैं, हाँ मैं कहता हूं सरकार मारने के लिए तुली हुई है। हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 से घटा के 21 साल कर दी जाती है। आपको लगता है सरकार आपके बच्चों को बचाना चाहती है? आपके बच्चों की शादी की उम्र जो है 18 से 21 साल जानबूझ के की जा रही है, ताकि 21 साल के बाद बच्चे शराब की लत में 25 साल तक शराब की लत रहे, और जब उनको 25 साल के जब बाद वो जब शादी करें तो बच्चा पैदा करने की क्षमता उनकी नष्ट हो जाए। एक बड़ा लेवल का आपको प्लान करके दिया जा रहा है ताकि आप बर्बाद हो जाओ, बच्चे आप ना, आपके बच्चे ना पैदा कर पाए। मैं खाप से भी आह्वान करता हूँ, वो खापे कहाँ सोई हुई है? आज शराब की उम्र 25 से घटा के चाहिए तो क्या इन सरकारों को कि शराबबंदी करे, लोगों को अवेयर करे कि एक शराब पीना जहर है, और आपके बच्चों के बर्बादी के लिए 21 साल उम्र घटाइए। कब 21 से 18 की हो जाएगी और कब ये 12 की हो जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। हर व्यक्ति को, हर तबके को, जो मैंने कहा था हर व्यक्ति को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान अपनी लड़ाई लड़ी, किसान ने, अब किसान की लड़ाई जो थी, जो लोगों को गलत लगती थी, अब उनके घर के दरवाजे पे दस्तक आ चुकी है, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। आपको ये समझना पड़ेगा। इन गाड़ियों के मामले में भी बता दूं आपको, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी, आपकी केजरीवाल भी नहीं बोलेगा, आपकी कांग्रेस भी नहीं बोलेगी, आपकी चौटाला भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये आप एक चीज ध्यान रखना, जिस विषय पे कोई भी पार्टी ना बोले आप ये मान लेना कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। यही है वो नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका 2 बार प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़ा होकर जिक्र कर चुके हैं। आपकी गाड़ी कितने दिन चलेगी, आपको, आप कितने दिन चलोगे, आपका शरीर कितने दिन चलेगा, आपका घर कितने दिन चलेगा, आप किस तरह घर में रहोगे, ये सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या करेगा। अगर आप लोग नहीं जागे, नहीं खड़े हुए, तो तैयारी कीजिए बर्बादी की, अब भी समय है। जिस तरह किसानों ने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुंह पे तमाचा मारा, आप, क्योंकि गाड़ी जो है वो सुविधा नहीं है, आज हर घर की जरूरत है, आपको उठ खड़ा होना होगा।
जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है, आजकल में फैसला लिया जाएगा और इसके कानूनी पहलू क्या है भाई साहिल गोयल जी आपको बताएंगे। साहिल भाई बताओ इसके क्या कानूनी पहलू, क्या पूरा मामला है? भाई सरकारें इस समय पे जो है ना ये पूरी की पूरी आपकी हड्डियां तक नोचने पे तुली हुई है। अब जिस आदमी की पुरानी गाड़ी है क्या मतलब की बात है, उसके पास प्रॉपर्टी का राइट है आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 21 जो है आपके संविधान के अंदर, इन सबको नष्ट करने पे तुली हुई है सरकारें। ये क्या बदमाशी चल रही है, मेरी गाड़ी पुरानी है सही चल रही है, पोल्यूशन ये कर नहीं रही, इस गाड़ी की सेफ्टी बहुत बढ़िया है आज की नई गाड़ियों के मुकाबले, 8-8 एयरबैग इसके अंदर रहे, तो मेरे को गाड़ी चेंज करने के लिए धक्का क्यों कर रही है सरकार? क्या सरकार देगी 25 लाख रुपया? वकील साहब कह रहे आपने दिल्ली में आपको किसी ने रोक लिया था तो आपने क्या जवाब दिया? भाई मैंने तो कहा मेरी गाड़ी है मेरी प्रॉपर्टी है, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले कि भाई मेरी गाड़ी को मैं बंद कर दूं जब मेरी गाड़ी किसी को दिक्कत नहीं दे रही। एक कानून का एक सीधा सीधा संविधान को समझ लो, इस चीज को मूल समझ लो कि कानून होता क्या है, इसके पीछे क्या बातें क्या होती हैं, क्यों बनाया गया इन संविधान को और क्या कानून होता है कि अगर मेरी कोई चीज आपको तंग नहीं कर रही तो आप मेरे को डंडा क्यों दे रहे हो? भाई आप सरासर लगातार इन चीजों पे लगे हुए हो कि धड़ाधड़ आपने ये गाड़ियां बेचनी है और इन गाड़ियों को खत्म करना है और नई गाड़ियों के नाम से आप उन कंपनियों का फायदा करवाना चाहते हो सबसे पहली बात, और साथ साथ उन नई गाड़ियों के अंदर जो 24/7 ट्रैकिंग लग के आ रही है उसके बारे में बताते नहीं आप कि 24 घंटे ट्रैकिंग हो रही है आपकी उन गाड़ियों की, आप कहां कहां जाते हो, क्यों जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बता दे किल स्विच है वो क्या? भाई ये तो पिछले साल जब ये लॉकडाउन वाला केंद्र चला, जब सारा का सारा तालाबंदी चली, उस टाइम पे अमेरिका के अंदर एक चुपके से एक जो है कानून पास किया गया। आज यहाँ पे हमारे लोगों को पता नहीं है, वकीलों को भी नहीं पता इस चीज के बारे में कि उन गाड़ियों के अंदर एक किल स्विच लगाया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति सरकार या उन नीतियों के खिलाफ कुछ बोलने लगेगा, कोई बात करने लगेगा तो ये चाइना बनाने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया बना देंगे ये इस प्रकार से कि जो भी कुछ बोलेगा बटन दबाएंगे वहां दूर बैठे ही, वो बटन दबाते ही आपकी गाड़ी का इंजन हो जाएगा बंद, वो सीज हो जाएगा इंजन, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार की चीजें ला रहे हैं, लगातार आपको दारू के नशे में झोंकना चाहते हैं, ये एक के बाद एक सुई लगाने की बातें कर रहे हैं और सरासर, और साथ साथ आपको बताना चाहूं ये जो आपकी संपत्ति है इस पे भी इसकी नजर है, ये जो आपके सोना चांदी है उसको भी कह रहे हैं जितना भी सोना पड़ा है हर एक सोने के ऊपर हॉलमार्क लगेगा, हर एक सोने की चाहे आपने कभी का खरीद रखा आपके बिल हो पक्के चाहे, लेकिन उन सबके ऊपर हॉलमार्क लगवाना जरूरी हो जाएगा। आपके घरों से असली संपत्ति बाहर निकालना चाहते हैं, असली जो कागज जो आज आपको कह रहे हैं जो कहते हैं आपकी संपत्ति है उन कागजों पे आपको विश्वास रखना चाहते हैं, जिन कागजों की भाई साहब आपसे क्या हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, उन कागज की जो वैल्यू है वो आधी रहेगी, वो कह रहे हैं उस कागज को भी आप कंप्यूटर में डाल दो और उस कंप्यूटर में डालने के बाद में कह देंगे साइबर अटैक हो गया और वो सारा सारा पैसा गायब हो जाएगा आपका, फिर कह देंगे हम क्या करें साइबर अटैक हो गया। अब वो रशिया वाला गेम चलने लग रहा है और साथ साथ साइबर अटैक वाली बातें कर देंगे, चाइना ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, साइबर अटैक हो गया, अब तो हमारे बैंक लुट गए, आपका पैसा हो गया गायब, हम तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आप कहां जाओगे? जो आपकी असली संपत्ति धातु जो आपके घरों के अंदर बर्तन हुआ करते हुए उन्होंने पहले खत्म कर दिया, अल्मोनियम के बर्तन ले आए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले पीतल के हुआ करते, कांसे के हुआ करते, तांबे के हुआ करते या सोने चांदी के हुआ करते, वो सारे खत्म कर दिए। नहीं अभी कोई गाड़ी अगर रुकवा लेता है तो करना क्या उस आदमी को ये तो बता दो वकील साहब। भाई एक तो सबसे बड़ी बात ये है आपको ना बोलना सीखना होगा, ये लगातार ऐसे गैर कानूनी कानून ले आ रहे हैं और असंवैधानिक कानून लेके आ रहे हैं जो संविधान के मूल को नष्ट कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी होता है, आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार आपका होता है, अब ये थोड़े टाइम के बाद कह देंगे शरीर भी आपका नहीं है, आपके माँ बाप भी बूढ़े हो गए उनको भी मार दो आप गोली से, तो ये कोई बात थोड़ी है। मेरी गाड़ी अगर सही चल रही है और मेरा अधिकार है मेरी प्रॉपर्टी को रखने का, यहां से वहां ले जाने का, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो लोग डीरजिस्टर करना शुरू कर देंगे प्रॉपर्टीज को अपनी, जो इन्होंने प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कर रखा है इनके खातों में उस प्रॉपर्टी का नाम लिखा रखा है, लोग डी रजिस्टर कर देंगे उनको, गाड़ियों पे नंबर चढ़ रखे होंगे, भाई चीन है मेरे को भी वाला नंबर। अच्छा ये भी हो सकता है, हो सकता है पहले हुआ करता, आपको याद होगा किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रालियां हुआ करते उन पे नंबर हुआ करते क्या पहले वाले टाइम में? अच्छा नहीं होते, होते थे क्या? नहीं होते थे, फिर आप तो खुद किसान हो आप समझते हो इन सब बातों को, तो फिर लोग गाड़ियों को भी डी रजिस्टर कर देंगे। अच्छा भाई तुम्हारा कानून अगर तुम अपनी बदमाशी करोगे तो लोग अपने कानून बनाने लग जाएंगे, फिर ये तो तानाशाही हो गई ना कि मेरी तुम कहते हो गाड़ी नष्ट कर दूं मैं, तो भाई मेरी गाड़ी 25 लाख रुपए की नहीं आएगी, तुम दोगे क्या पैसे? और लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे या नई गाड़ियां लोगे तुम आपको छूट देंगे, और वो छूट के नाम पे आपको क्या कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज
जो सिर्फ 2-3 हजार रुपया होता है उस पे कहते हैं 50% की जो है छूट देंगे, लेकिन ये नहीं बताते जो मेन पैसा लगता है 1.5-2 लाख रुपया रोड टैक्स उस पे क्या छूट दे रहे हैं। अच्छा, उस पे छूट नहीं दे रहे। अच्छा, उस पे छूट दे देंगे, 2-4% की छूट दे देंगे। अच्छा, और जो 50% की बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ने आके टीवी पे कही, वो 50% पता किस पे है? वो भैया रजिस्ट्रेशन चार्ज पे है, और रजिस्ट्रेशन चार्ज तो है सारा 2-3 हजार रुपया, उस पे 50% छूट दे देंगे, आपको फायदा हुआ 1.5 हजार रुपए का। और जो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपका रोड टैक्स जाने लग रहा है उस पे 2-4% देने लग रहे छूट। अच्छा अच्छा, ये आपको बताने नहीं लग रहे, और टीवी पे आके तो बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे कि हाँ देखो हमने तो छूट दे दी इसके नई गाड़ियों के ऊपर। अरे भाई, छूट दे रहे हो 1.5 हजार रुपए की, वहां जो 1.5-2 लाख रुपए तुम्हारा रोड टैक्स लगने लग रहा है उसकी बात नहीं करोगे तुम? क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई जनता का, कब तक बनाओगे? ठीक है, बात है। अच्छा, इसमें जो मेन बात है भाई, मेन बात यह है, जैसे ना अभी जिसने स्कूटी ली थी ना, तो स्कूटी वालों से जाके पूछ लो कि भाई जिसने स्कूटी ली थी उसकी स्कूटी कितने महीने चली, किसी के 6 महीने बाद बोल गई, किसी की, मान लीजिए जो गाड़ी आज बैटरी वाली आ रही है, जो कह रहे जी पोल्यूशन दिए, गाड़ी बैटरी वाली कितने दिन चलेंगी, कौन भाई, अगर मान लीजिए 1 साल बाद बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी तो मेन है इसमें, तो भाई ये तो बस वही कहानी है, इसका तो एक ही इलाज है बस, वही बस लठ एले, और भाई ठा लो नहीं तो फिर ठाओगे, ठाना पड़ेगा भाई। जो साथी जुड़ रहे हैं भाई, यू तो काम मन भी सीखना पड़ गया भाई, शेर वाला ग्रुपा में भाई, आज कल में दोबारा तक कॉल देवांगे, और बड़ी कॉल देवांगे, जुकर लड़के इस छिंक की लड़ाई लड़ी थी, जुकर लड़के इस सुई की लड़ाई लड़ी थी, स्कूल खुलाने की लड़ाई लड़ी थी, और परमात्मा का आशीर्वाद है भाई, जो काम ठावा हा उती पूरा लावा हा, खड़े हो भाई, इस गाड़ी वाला काम निपटावांगे, देखा है कौन सा टोका का मारी गाड़ी ने, अरे तरक्कत है बस इसे काम पे, हाँ तो चिंता ना करियो भाई, गाड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं, बे देखा परमात्मा कुछ रास्ता कढ़ा होगा, कर दो भाई तीसरे तरह बलाओ। धन्यवाद साथियों।